दोस्तों एक दिन मुझे कॉल आता है और सामने वाला बोलता है कि सर मेरा एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, अभी अभी हमने अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। फिर मैंने पूछा कि हाँ बताइए, तो वो बोलते हैं कि सर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखना है। तो मैंने बोला कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मुझे बिल्कुल इसी तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, आप जिस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं उसका कोई रेफरेंस भेज दीजिए, यानी कि आप उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए जिस तरह का आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये वाला वीडियो भेजा है मुझे, ठीक है, ये वाला वीडियो हमें उन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही जो है मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। तो इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं, वही सब कुछ दोस्तों मैं आपको और जिन्होंने पूछा है उनको सभी को मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के लिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोस्तों बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजिटल बोर्ड के लिए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऊपर में एक जो है नॉर्मल सा हेडर डिजाइन किया गया है और नीचे यानी कि फुटर इसका जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं आइए इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना YouTube चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल लेकर के आता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां से हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से हम लोग ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन नहीं करना है, हमें डिजाइन करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का थीम या टैंपलेट भी कह सकते हैं, या आप उसे टैंपलेट भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है सर, आप मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टैंपलेट बनाना क्यों सिखा रहे हैं, बैकग्राउंड थीम बनाना क्यों सिखा रहे हैं। मैंने तो आपसे पूछा था कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, तो आप टैंपलेट और बैकग्राउंड और थीम क्यों बनाना सिखा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आज भी मेहनत करना पड़ेगा, फिर कल आप वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए कल भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद परसों जो क्लास होगी उसमें जो आप पढ़ाएंगे उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि डेली आपको जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए, सीख लीजिए और सभी स्टेप को फॉलो करके अपने चैनल के लिए अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आप अपना एक थीम क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े, बस आपको क्या करना है कुछ ही सेकेंडों में अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेना है, मिनटों में नहीं कुछ ही सेकेंडों में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसे होगा वो सारी चीज़ें भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, व्यू टैब पर क्लिक करना है। व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा स्लाइड मास्टर, आपको स्लाइड मास्टर में आ जाना है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सभी स्लाइड को डिलीट कर देना है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कहूँगा, आपको कोई भी स्लाइड डिलीट नहीं करनी है, आपको किसी भी स्लाइड को डिलीट नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आ जाना है,
ये जो आपका सबसे बड़ा स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं थीम स्लाइड या मास्टर स्लाइड, तो आपको इस वाले स्लाइड में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, या तो दोस्तों आप यहाँ से मतलब माउस से भी इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डिलीट बटन से सभी चीज़ों को डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए इसी में जो है आपको अपना थीम डिजाइन करना है, यानी कि जो भी चीज़ें आप डिजाइन करने वाले हैं इसी के अंदर दोस्तों आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो कैसे डिजाइन करना है आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रेफरेंस है वो क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन बोर्ड जैसा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का एक बोर्ड अपने PPT में इंसर्ट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पिक्चर का, हम लोग ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। यह अगर आपने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आप डाउनलोड करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ और यहीं पे इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा ग्रीन बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, और उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का बोर्ड आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारा बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो पसंद आता है वो बोर्ड दोस्तों आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी इमेज, यहाँ से आपको इस इमेज को कॉपी कर लेना है और उसके बाद आप इसे मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप MS पावर पॉइंट में आना है और देन दोस्तों आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ये जो इमेज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इस इमेज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा इसकी साइज को, स्लाइड की साइज को थोड़ा सा कम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट टैब के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, आपको इसमें आना है और यहाँ से आपको 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 16:9 में ये क्रॉप हो जाएगा और देन दोस्तों आपको साइड में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को कम कर लेना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर इसे फिट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसे यहाँ से कट कर लेंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, ये जो आपका स्लाइड है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों यहाँ पे ये जो क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो इमेज है इस बैकग्राउंड में फिट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे कर देंगे क्लोज, ठीक है। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपको आइकन दिख रहा है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है वो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप यहाँ से इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलिए इतना तो हो गया, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह का इसका हेडर डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से चीज़ों को डिजाइन कर लेंगे। इसका कलर अगर आपको सेम टू सेम रखना है तो आप सेम टू सेम रख सकते हैं। तो इसका कलर वाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। इसकी साइज़ थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें बस क्या करना है, अपने चैनल का लोगो इंसर्ट करना है और चैनल का नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें मैं अपना लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगा, पिक्चर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं जिस फोल्डर में हमारा लोगो है उस फोल्डर में जाऊँगा और उस फोल्डर में जाने के बाद यहाँ से लोगो सेलेक्ट करूँगा और देन दोस्तों हमें क्या करना है, इस लोगो को यहाँ पे इंसर्ट करवा देनी है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और शिफ्ट को दबाते हुए माउस से इसकी साइज को कम कर लेंगे कुछ इस तरह से और देन दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैं होम टैब पे क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगा और अपने चैनल का नाम लिख दूँगा। तो पहला हमने क्रिएटर लिखा है, इसकी साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं फॉन्ट कलर में जाऊँगा, ठीक है,
और यहाँ से आई ड्रॉपर लूँगा और लोगो में जो कलर है वही कलर इसमें मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ से मैं ओसवाल्ड फॉन्ट OSW ठीक है ओसवाल्ड फॉन्ट इसमें अप्लाई कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ये बहुत बड़ा हो गया है तो हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसे यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से और इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है फिर हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जेड यहाँ पे ये जो क्रिएटर हमारा लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे और इसमें लिख देंगे क्लासरूम। और इसमें दोस्तों हमें क्या करना है लोगो के अंदर जो दूसरा कलर है वो वाला कलर इसमें फिल करवा देना है। इसके लिए हम लोग फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर लेंगे और ये जो येल्लो कलर है ये वाला कलर इसमें फिल कर देंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब इसका साइज़ बड़ा हो रहा है तो हम लोग यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है और देन हम इसे एडजस्ट कर देंगे। चलिए कितना हो गया अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है तो हम इसे थोड़ा सा और डिजाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे और एक छोटा सा लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। और देन दोस्तों हम लोग आउट शेप आउटलाइन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक कलर इसमें फिल करवा देंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से एरो वाले ऑप्शन में जाएंगे और कुछ इस तरह का एरो इसमें कुछ इस तरह का एरो इसमें अप्लाई कर देंगे। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसे यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। ठीक है इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप बना हुआ है और इसमें ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ये जो हमारा शेप है इसी को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है और यहाँ से हम लोग इसकी साइज को यहाँ तक बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका अगर कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे से फिल में जाएंगे और इसमें अपने लोगो के कलर के अकॉर्डिंग इसका कलर ऐड कर देंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे नो आउटलाइन कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे जैसे कि इन्होंने अपना डेट टाइम ये सारी चीज़ें लिखा है वो सारी चीज़ें दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड कर देनी। ठीक है ठीक है तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कुछ और लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं जैसे कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं तो आप उसका यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं या किसी बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करवाते हैं तो उसका लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ BPSC लोगो PNG और एंटर कर दूँगा। ठीक है आपको गूगल में सर्च करना है BPSC लोगो PNG। अगर आपको BPSC से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो आप इस तरह से चीज़ों को लिख करके सर्च करेंगे तो आपको लोगो मिल जाएगा। उसके बाद लोगो के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी इमेज इसके ऊपर क्लिक करके इस इमेज को कॉपी करेंगे। और देन दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है तो इस तरह से ये लोगो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है और इसे दोस्तों आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है इस तरह से लग जाएगा। और अगर यहाँ पे बीच में गैप रह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसे पकड़ के थोड़ा इस तरफ सरका देंगे। ठीक है तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है हेडर डिजाइन हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए इनका जो वीडियो है और इनका जो हेडर डिजाइन हुआ है इनका डिजाइन देखिए और मैंने जो डिजाइन किया है ये वाला डिजाइन देखिए आपको धरती आसमान का अंतर दिख रहा होगा। ठीक है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिजाइन किया है। ठीक है अब दोस्तों आप यहाँ पे चाहें तो थोड़ा बहुत कलर से खेल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये डेट जो है इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए होम टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है आप चाहें तो यहाँ से येल्लो या ऑरेंज कलर इसमें फिल करवा सकते हैं। ठीक है तो इस तरह से आप चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। ओके तो ये दोस्तों हमारा हेडर डिजाइन हो गया है। अब आपको क्या करना है इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेना है। ठीक है ताकि ये ग्रुप में आ जाएगा तो ये इधर उधर नहीं होगा। ठीक है इस तरह से आप कर देंगे। अब हमें क्या करना है अपना
फूटर डिजाइन करना है, यानी कि नीचे जो चलने वाला टैक्स होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें दोस्तों अब हमें डिजाइन करनी है। तो ये कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से इस रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एडिट पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है। तो ये कैसे आया, तो ये दोस्तों आपको इस तरह से आएगा, यानी कि आपको इस शेप के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट्स में जाना है। तो यहाँ पे ये डॉट आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की को प्रेस करना है। और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, नीचे वाले डॉट को पकड़ के थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरका देंगे कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना तिरछा चाहिए वो आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से, फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। ठीक है, अगर आप और बनाना चाहें तो आप और बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तीन चार बना लेंगे और फिर एक साथ इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, फॉन्ट वाले फॉर्मेट टैब में रहते हुए अलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हमें कर देना है अलाइन मिडिल। ठीक है, उसके बाद अलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर साइज में। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में रहते हुए मर्ज शेप में जाना है। मर्ज शेप में जाने के बाद यहाँ से कर देना है फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको इसे कम करना है तो आप मैनुअली थोड़ा थोड़ा करके इसे कम कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करूँगा, शेप फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं वाइट कलर फिल करवा दूँगा, शेप आउटलाइन में जाऊँगा और यहाँ से नो आउटलाइन कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा शेप है इसके ऊपर लाइक शेयर कॉमेंट वाला बटन ऐड कर देनी है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये चीज़ें हमारा डिजाइन हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ अपना लोगो इंसर्ट करवाना है और यहाँ पे आपको जो है सब्सक्राइब बटन ऐड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लोगो लगाना होगा और इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, और देन दोस्तों हमें क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और देन दोस्तों यहाँ से एक सर्कल शेप सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से कर लेंगे और देन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना लोगो लगा देनी है। तो ये जो हमारा लोगो है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और इसे दोस्तों यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लोगो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट और देन दोस्तों हमें क्या करना है, कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट को प्रेस करके इसकी साइज़ को इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी भी ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसी में ग्रुप किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसे अनग्रुप कर देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर दोस्तों इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसे रख देंगे, थोड़ा सा इसकी साइज़ को और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन लगा देनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब सब्सक्राइब लिख करके सर्च कर देंगे, सब्सक्राइब लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप वाले ऑप्शन में आना है, टाइप में आना है,
टाइप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको जो भी इमेज यहाँ पे पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी को मैं यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ। अब ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इमेज ऐसा होगा जो कि इंसर्ट नहीं होगा, वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो उसे आपको छोड़ देना है, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों उसे आपको छोड़ देना है उस, ठीक है। तो वो होगा नहीं, इसलिए दोस्तों आपको उसे छोड़ देना है और उसके बाद आपको दूसरा इमेज इंसर्ट करने की ट्राई करना है। चलिए मैं इस वाले को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करके इसे इंसर्ट करता हूँ। ये भी इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बार मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। हाँ तो ये दोस्तों हमारा देख सकते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज इंसर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी साइज को कम कर लेना है, ठीक है। साइज कम करने के लिए शिफ्ट को प्रेस करके कॉर्नर से इसकी साइज को कम कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी रखना चाहें आप उसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन सभी को, ठीक है, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों, ये जो दो बार आपको दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी को एक साथ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेना है, ठीक है, ताकि ये सभी जो है एक हो जाएं, ठीक है। इस तरह से आपको इसका ग्रुप बना लेनी है, या तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसा रखना चाहें रख सकते हैं, और उसके बाद ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से, ओके। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारा डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी साइज को इसके हिसाब से रख लेना है और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे और देन दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें दोस्तों आप जैसा कलर फिल कराना चाहें वैसा कलर आप इसमें फिल करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसमें ये कलर फिल करवा दूंगा और उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, शेप आउटलाइन में जाऊंगा और यहाँ से मैं नो आउटलाइन कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉर्नर में भी कुछ डिजाइन बने हुए हैं, तो इसे भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से दोस्तों आपको एक जो है कुछ इस तरह का ट्रायंगल शेप सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों आप यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से और देन दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मेट टैब में रहते हुए रोटेशन वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से दोस्तों आपको जो है कुछ इस तरह से इसे रोटेट करा लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आप इसे यहाँ पर रख देंगे, इस तरह से आप इसे रख देंगे और उसके बाद शेप फिल में जा करके आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और शेप आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना होने के बाद दोस्तों अब आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक जो है टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये पहले आता है, फिर यहाँ पे ये तीन लाइनें आती है और फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह से ब्लिंक हो करके आता है, ठीक है। तो ये कैसे करना है, तो दोस्तों ये जो है आप एनिमेशन लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप एनिमेशन लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन कैसे लगाते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन सभी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये जो इतना पार्ट है हमारा इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है, एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करना है ताकि दोस्तों इसमें हम लोग एनिमेशन लगा सकें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन कर लेना है ताकि यहाँ पर हम चीज़ों को देख सकें, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से फ्लाई इन एनिमेशन या आप फ्लॉट इन एनिमेशन या वाइप जो भी लगाना चाहें आप वो एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैं वाइप एनिमेशन लगा देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें ये ऊपर से नीचे आता हुआ ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फ्लाई इन एनिमेशन लगा दूँगा और यहाँ पर दोस्तों मैं इफेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से कर दूँगा फ्रॉम लेफ्ट, तो ये कुछ इस तरह से आता हुआ दिखेगा, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट ऑन क्लिक है तो इसे मैं कर दूंगा विथ प्रीवियस, ठीक है, इसे मैं कर दूंगा विथ प्रीवियस।
इतना हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक ये वाला और एक ये वाला जो आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें वाइप एनिमेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और देन दोस्तों आप यहाँ पे कर देंगे विथ प्रीवियस, या आप आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला में आप विथ प्रीवियस रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा, देखिए ये पहले आएगा और फिर ये नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन लगाना है, ठीक है। ये जो आपको पट्टी दिख रही है, अब आपको इसमें एनिमेशन लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इनका ये किस तरह से आ रहा है। पट्टी कहीं भी नहीं जा रहा है, मतलब पट्टी वहीं का वहीं रहता है, बस यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, बस ये जो है बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा लेनी है। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, वो चीज़ें आप दोस्तों इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों मैं यही चीज़ें लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर के दोस्तों मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बाय के बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसकी साइज़ को कम कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैं फॉन्ट कलर वाइट रख लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आप इसका साइज़ जितना रखना चाहें, जो रखना चाहें आप इसका साइज़ रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये फॉन्ट कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वाला ज़्यादा इस पर विजुअल हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये कलर इसमें अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो है इमेज आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो टीचर हैं इनका यहाँ पे बार बार इमेज भी आता है। यहाँ पे देखिए ये इमेज आ रहा है, तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको और भी चीज़ें लिखनी है तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके लिए आपको एक जो है छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पार्ट में ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी का एक डुप्लीकेट बना लूँगा, यानी कि इसे सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लूँगा और इसे यहाँ पे रख दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी लिखना चाहें आप वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके हिसाब से फॉन्ट को डिजाइन कर लेना है। तो मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और इसका कलर मैं वाइट रख लेता हूँ, ठीक है, बाकी का ब्लू है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर कुछ और भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये हो गया। और यहाँ से मैं इसे मिडिल कर लेता हूँ, इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन भी लगाना है, तो यहाँ से मैं एक लाइन सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से दोस्तों मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा जैसा हमने यहाँ पर किया था। और यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका आउटलाइन कलर कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। और शेप आउटलाइन में जाऊंगा और इसकी विड्थ में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है। और फिर मैं शेप आउटलाइन में जाऊंगा, यहाँ से एरो में जाऊंगा और इसमें कुछ इस तरह का एरो लगा दूंगा। और उसके बाद दोस्तों इस फॉन्ट के हिसाब से इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना दूँगा। और उसके बाद दोस्तों इसे हमें जहाँ भी रखना होगा इस तरह से हम लोग इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी एनिमेशन लगा सकते हैं। इसमें एनिमेशन लगाने के लिए इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्लाई इन एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट, ये कुछ इस तरह से होकर के आएगा। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे दोस्तों ये जितनी चीज़ें हैं इसे आपको एक बार सेलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करना है और इसे कर देना है ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इसके नीचे से होकर के आए, ठीक है। अब चलिए एक बार इसे प्ले करके देखते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा और फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा। अब ये बहुत ही फास्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी टाइमिंग को बढ़ा देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे हम लोग कर देंगे 3 सेकेंड और एंटर कर देंगे। अब देखिए ये आराम से आएगा,
कुछ इस तरह से एनिमेट होगा और फिर ये जो है इस तरह से धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिख सकते हैं, जो चाहें आप वो लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह से चल करके आ रहा है, आप चाहते हैं कि इधर से आए तो आपको यहाँ पे इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है फ्रॉम राइट, तो ये कुछ इस तरह से राइट से धीरे धीरे आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है, ठीक है, ये जो आपका कोर्स के बारे में है, इसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी साइज को और कम कर लेता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी दोस्तों मैं एनिमेशन लगा दूँगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनिमेशन में जाएंगे और इसमें दोस्तों हम लोग फ्लॉट इन एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से होकर के आएगा। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं या तो आप यहाँ से वाइप एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से अप से डाउन। ठीक है, और इसमें दोस्तों हमें क्या कर देना है, आफ्टर प्रीवियस कर देना है। और इसमें जो हमने एनिमेशन लगाया था, इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हो रहा है और फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है, इतना ही सही है कि यहाँ पे ये जैसे स्लाइड आएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एक इमेज बस लगा देनी। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अपना PNG इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये इमेज आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे इस इमेज को ऊपर नीचे करवाना है तो इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं इसे लगा दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसे इंसर्ट कर दूँगा और देन दोस्तों मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूँगा और इसका जितना साइज चाहिए उतना साइज मैं इसमें रख लूँगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमें साइड में क्लिक कर देना है, तो इस तरह से ये क्रॉप हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आता रहेगा। अगर दोस्तों इसकी साइज बड़ी हो जाती है तो हम लोग यहाँ से इसकी साइज को कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे ये इमेज लगा सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें भी एनिमेशन लगा देना है। तो एनिमेशन लगाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और देन दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से फ्लाई इन एनिमेशन इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है विथ प्रीवियस। ठीक है, अब देखिए ये कैसा आ रहा है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे अपनी चीज़ें लिखी है वो आया, फिर यहाँ पे ये आया और फिर यहाँ पे ये आया। ठीक है, ये आ गया और फिर ये हमारा इमेज धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा धीरे आ रहा है तो इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, अगर ये बहुत धीरे आ रहा है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देंगे, डिजाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है एक मोटा मोटा आपको चीज़ें बता दिया है, बाकी आप दोस्तों इसे और भी अच्छे से करेंगे तो ये और भी अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इन सभी को एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मेट टैब पे क्लिक करूँगा, सेफ इफेक्ट में जाऊँगा, शैडो में जाऊँगा और इसमें दोस्तों मैं कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और ये जो इमेज है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करूँगा, पिक्चर इफेक्ट में जाऊँगा, शैडो में जाऊँगा और कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई कर दूँगा। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा जो है प्रॉपर जो है हमारा थीम डिजाइन हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए थीम डिजाइन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपना PPT थीम डिजाइन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, स्लाइड मास्टर टैब के ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों आपका कुछ इस तरह से डिजाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों आपको दिस PC के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप इसका जो भी नाम देना चाहें उस नाम से दोस्तों आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो है CC नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल दोस्तों ये हमारा जो है सिर्फ PPT थीम बना है।
अब इसे कैसे यूज करना है और इसका यूज करके हम कैसे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो आइए जानते हैं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, इसका काम हो गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमारा जो है पीपीटी थीम बन चुका है। ठीक है, पीपीटी थीम बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से एमएस वर्ड में अपना कंटेंट टाइप कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये कंटेंट किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना कंटेंट टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं, दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसे ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और देन आप क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका प्राइमरी लैंग्वेज क्या है वो हिंदी है, तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना सवाल पेस्ट कर देंगे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और देन दोस्तों आप यहाँ पे एमएस वर्ड में इसके बगल में इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और देन दोस्तों आप इसे यहाँ से क्लोज करके इसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश डाल करके इसके बगल में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप मैनुअली चीज़ों को ट्रांसलेट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर दिया, इसके बाद इसे सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने सवाल हैं इसे आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप हेडिंग 1 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जितने ऑप्शन हैं इसमें आपको हेडिंग 2 अप्लाई कर देना है। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इसमें हेडिंग 3 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, पहला हमारा सवाल है, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा आंसर है। अगर यहाँ पे आंसर नहीं है तो यहाँ पे बस दो ही चीज़ें हैं, पहला सवाल है इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 1 और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना। और ये चीज़ें दोस्तों आपको एक ही में नहीं करना है, ये चीज़ें दोस्तों आपको एक ही सवाल में नहीं करना है, बल्कि आपको सभी सवाल में ये चीज़ें करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करते जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आप इसमें हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों ये जो सवाल है इसे आप सेलेक्ट करके इसमें हेडिंग 2 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको सभी जो है सवाल में करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करके इसे कर देना है सेव। उसके बाद दोस्तों आप इसे कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका जो है दो चीज़ें डिजाइन हो गया है। ठीक है, पहला तो आपको इस तरह का पावर पॉइंट थीम बना लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कंटेंट एमएस वर्ड में टाइप कर लेना है और उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने आपको इसमें सेटिंग करना बताया उस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें सभी चीज़ों को सेट कर लेना है। ठीक है, सेटिंग क्या करना है, इसमें कंटेंट टाइप क्या हुआ रहेगा, उसके बाद अगर आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट करके यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सभी सवाल को एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें हेडिंग 1 और इसका जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 2। ठीक है, अगर आंसर भी है तो आप इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 3 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस फाइल को कर देंगे सेव। इतना आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में, उसके बाद दोस्तों आप अपने लैपटॉप या पीसी में दोबारा से एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां से ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का, आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों आपका फाइल किस फोल्डर में है उस फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा। यहाँ दोस्तों आपको जो फाइल टाइप दिख रहा है आपको यहाँ पे फाइल टाइप में आना है और यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल फाइल आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो एमएस वर्ड में कंटेंट टाइप करके रखा है, ठीक है, आपने जो एमएस वर्ड में कंटेंट टाइप करके रखा है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपको ओपन पे क्लिक करके इसे कर देना है ओपन। ठीक है, और जैसे दोस्तों आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जितना क्वेश्चन टाइप किया हुआ रहेगा उसका दोस्तों यहाँ पे एक एक करके स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं जादू। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है पीपीटी बन चुका है। पीपीटी तो हमारा बन गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें अपना थीम अप्लाई करना है। थीम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। डिजाइन टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज थीम, आपको ब्राउज थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अभी जो आपने अपना थीम बनाया है, ठीक है, ये अभी हमने आपके सामने बनाया है और इसे हमने सीसी नाम से सेव किया था, तो मैं इस थीम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं इस थीम को कर दूँगा अप्लाई। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह से स्लाइड डिजाइन हो जाएगा। अभी दोस्तों इसमें बहुत सारी खिचड़ी पक गई है, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब पे क्लिक करूँगा और किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों मैं रिसेट पे क्लिक करके इसे रिसेट कर दूँगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो इस स्लाइड को थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, चलिए तो दोस्तों किसी एक स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेआउट, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन हेडर लेआउट आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा सभी स्लाइड में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है, स्लाइड मास्टर में जाना है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है और इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग रख लेते हैं और ये जो हमारा ऑप्शन वाला है इसे हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, और इसको दोस्तों ऑप्शन वाला को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा सवाल के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हमारा सवाल लिखा हुआ है और इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले तो सवाल वाले टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसकी फॉन्ट साइज को कम कर लेंगे, तो यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट साइज को 28 कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे मैं मुक्ता फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों मैं फॉन्ट कलर रख लेता हूँ वाइट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से इसे मिडिल कर देना है, ठीक है, या तो आप यहाँ से इसे टॉप भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्मेट करना है, यानी कि इसे अब हमें डिजाइन करना है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देना है कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों इसमें हम अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसका दोस्तों साइज, उसके बाद दोस्तों इसका साइज 28 रख देंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका भी साइज 28 कर देंगे, बस इतना ही दोस्तों आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका डिजाइन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा अलग रहे तो दोस्तों आप यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर कलर्स, आपको मोर कलर्स के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे तो उस तो दोस्तों वो कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा ड्रॉ कर देंगे और देन दोस्तों आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्लाइड मास्टर का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड मास्टर इसमें अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों होम टैब में जा करके ये जो स्लाइड नंबर है इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे, यहाँ से इसे मिडिल कर लेते हैं और यहाँ से अलाइन में जा करके मिडिल कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपको जो पसंद हो वो फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसे बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा कि सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है और देन दोस्तों क्लोज मास्टर पे क्लिक करके क्लोज कर देना है, ठीक है। और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों रिसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इतना कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ जो है हिंदी में सवाल लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये इतना गैप आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो यहाँ पे ये गैप नहीं रहेगा, ठीक है।
अगर यहाँ पे आपने एक ही लैंग्वेज में अपना पीपीटी बनाया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आप जो है चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा कम कर लेंगे और ये जो आपका सवाल नंबर है इसे दोस्तों आप यहाँ पर रख देंगे कुछ इस तरह से। और इसका साइज़ दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसकी साइज़ को 28 ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। वापस से आपको स्लाइड मास्टर पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देना। तो ये कुछ इस तरह से आपका जो है पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट करना है और देन दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन में जा करके इसमें अपने पसंद का ट्रांजेक्शन अप्लाई कर देना है, जैसे कि फेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये जो बोर्ड है, ये जो हमारा ग्रीन बोर्ड है, ये सही से विजुअल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाएंगे और देन दोस्तों हमारा जो ऊपर वाला स्लाइड है यानी कि मास्टर स्लाइड है, इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद पिक्चर करेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से दोस्तों आप इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये देखिए ब्राइटनेस कम कर देंगे तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा, तो ये अच्छे से, अगर ये डार्क हो जाएगा तो दोस्तों ये जो है आपके स्लाइड पर अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है डिजिटल बोर्ड के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे खड़े होकर के अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ा रहे होंगे वो सारी चीज़ें आपका OBS रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि एक बार दोस्तों अगर आपने अपना PPT थीम बना लिया है तो दोस्तों आपको नेक्स्ट टाइम से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने इस वीडियो को देख करके ये सारी चीज़ें सीख लिया है तो आप खुद से ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको खुद से नहीं बनाना है तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेम्पलेट का लिंक दे दिया है, तो दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप इस टेम्पलेट को यूज करके अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप अपना प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी तो हमने इतना मेहनत करके ये सारी चीज़ें डिजाइन किया है, लेकिन फ्यूचर में इतना मेहनत ना करना पड़े उसके लिए मैं अब आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत ही कम समय में आप कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ्यूचर में आप जो है एक सेकेंड के अंदर जो है अपना PPT बना सकते हैं, एक सेकेंड नहीं, कुछ ही सेकेंडों के अंदर जो है अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो अब हम लोग, तो वो चीज़ें दोस्तों अब हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इस तरह का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया, या तो दोस्तों आपने मेरे लिंक पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। या तो आपने बना लिया या तो मेरे लिंक पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे अपने PC में या लैपटॉप में ओपन करना है। ओपन करने के बाद डिजाइन टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव करेंट थीम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और देन दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं CC नाम दे देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं सेव के ऊपर क्लिक करके इसे कर दूंगा सेव। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है थीम सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसमें कुछ और डिजाइन वगैरह करना चाहें तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाना है। अगर दोस्तों आपको यहां से मेरा लोगो चेंज करना है तो आप इस लोगो के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके यहां से आप इस लोगो को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां क्लिक करके अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर और चीज़ें आपको डिजाइन करना है तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूं और यहां से मैं शेप आउटलाइन में जाऊंगा, विड्थ में जाऊंगा और यहां से मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और यहां से मैं शेप आउटलाइन में जा करके इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। कंट्रोल डी से इसका मैं डुप्लिकेट बना लूँगा और इसे दोस्तों मैं यहाँ पर ऊपर में रख दूँगा। मैं इसका कलर कर दूँगा वाइट, रख सकते हैं या तो आप इसका कलर कुछ भी
और रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे जो है और भी अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो भी चेंज करना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों जैसे कि इस इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे आपको अपना इमेज लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चेंज पिक्चर में जा करके यहाँ से दोस्तों आप अपना इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड मास्टर में जाना है और यहाँ से क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को आपको एज ए करेंट थीम सेव कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजाइन टैब पे क्लिक करना होगा और देन दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको सेव करेंट थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप इसका जो भी नाम देना चाहें, आप इसका नाम जो भी नाम देना चाहें आप इसका नाम दे देंगे और देन दोस्तों आप इसे कर देंगे सेव। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप इसे कर दीजिए क्लोज। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें करना है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें कैसे करना है। और ये दोस्तों एक बार मेहनत का काम है, यानी कि एक बार आपको मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनानी ही पड़ेगी, या तो आपको पैसे खर्च करके हमसे बनवाना पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट है। जब दोस्तों आप ये सारी चीज़ें एक बार करवा लेते हैं या खुद से कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब मैं आपको मात्र एक या दो मिनट के अंदर जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके दिखा देता हूँ। करना क्या है, अपने लैपटॉप के पीसी में एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल टाइप के ऊपर क्लिक करना है, ओपन वाले ऑप्शन में आना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल टाइप में आना है, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ से हमने जो अपना कंटेंट टाइप करके रखा है, ठीक है, हमने जो अपना एमसीक्यूज टाइप करके रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करके अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस तरह से हमारा जो है कंटेंट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यह करना है, डिजाइन टैब पे क्लिक करना है और ये थीम दोस्तों आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो आपने अपना थीम बनाया है ये आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना थीम अप्लाई कर लेना है। देन दोस्तों आपको होम टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी ये जो है बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों लेआउट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों आपको सेक्शन हेडर वाला लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और देन दोस्तों आपको मतलब ये लेआउट आपको चेंज कर लेना है और देन दोस्तों आपको लास्ट में रिसेट पे क्लिक कर देना है। और इतना करते ही दोस्तों आपका जो है 100 स्लाइड का या 1000 स्लाइड का, जितने स्लाइड का अगर आपने पीपीटी बनाया है, इस तरह से दोस्तों आपका जो है पीपीटी बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एक बार मेहनत करने के बाद नेक्स्ट टाइम से कितने आसानी से आप अपने डिजिटल बोर्ड के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला है, ज़रा सा भी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।